दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको जो है रॉयल एनफील्ड मैटोर 650 के सारे कलर दिखाने वाला हूं, ऑन रोड प्राइस दिखाने वाला हूं। और ये जो ऑन रोड प्राइस होगा ये दिल्ली और दिल्ली एनसीआर का ऑन रोड प्राइस होगा। सबसे पहले आप देख ही रहे हैं यहाँ पे जो है थ्री वेरियंट रॉयल एनफील्ड ऑफर करता है, और यहाँ पे जो पहला है वो है एस्ट्रल ग्रीन। अब ग्रीन कलर आप देख ही सकते हैं, यानी सिंगल टोन कलर में आपको जो है ऑफर कर रहा है। और इसका जो यहाँ पे देखेंगे ऑन रोड प्राइस तो 3,98,930 रुपए दिखा रहा है। दूसरा कलर हो जाता है एस्ट्रल ब्लू, यहाँ पे आप देखिए एस्ट्रल ब्लू जो है दूसरा कलर हो जाता है। अब वेरिएंट में आपको सिर्फ इतना ही डिफरेंस देखने को मिलता है, क्योंकि ये सिंगल टोन कलर में ऑफर की जाती है आपको, और सीट आप देख ही रहे हैं कैसी है। और जो तीसरा कलर है वो एस्ट्रल ब्लैक, आप देखें कुछ इस टाइप का जो है कलर आपको ऑफर किया जाता है। इसके बाद जो दूसरा वेरियंट है यहाँ पे आप देख सकते हैं इंटरेस्लर ग्रे। अब यहाँ पे आप देखिए ये जो आपको डबल ट्विन कलर में जो है ऑफर कर रहा है रॉयल एनफील्ड, और इसका ऑन रोड प्राइस पहले से बढ़ जाता है, यानी 4,15,272 रुपए जो है इसका ऑन रोड प्राइस हो जाता है। उसके अलावा यहाँ पे आपको ग्रीन भी मिल जाता है इस वेरिएंट में, आप देखिए ग्रीन में जो है आपको डुअल टोन कलर ऑफर कर रहा है रॉयल एनफील्ड। तो यहाँ भी आपको जो है ऐसे दूसरा जो है कलर मिल जाता है, और इसका जो ऑन रोड प्राइस आता है सेम वही आता है। अब अगर तीसरे कलर ऑप्शन की बात करें, और जो इसका टॉप वेरियंट है यानी एडिशन वाला टूरल एडिशन वाला, आप यहाँ पे देखिए अब इसमें और उसमें डिफरेंस क्या आता है। देखिए एस्ट्रल में क्या होता है, जो बिल्कुल बेस वेरिएंट है वहां पे आपको सिंगल टोन कलर ऑफर किया जाता है, और इंटरेस्लर में आपको जो है डबल ट्विन कलर ऑफर किया जाता है। और साथ में अगर आप देखेंगे यहाँ पे क्रेस्टल में, तो यानी टॉप मॉडल में टूरल एडिशन में, तो आपको जो है बड़ी सी विंडशील्ड मिल जाती है, और यहाँ पे जो है आपको देखेंगे तो बैकरेस्ट आपको ऑफर कर रहा है रॉयल एनफील्ड। तो इसका जो ऑन रोड प्राइस है वो आपको जो है यहाँ पे देख रहे होंगे आप 4,31,614 रुपए जो है इसका ऑन रोड प्राइस हो जाता है। इसके अलावा एक कलर जो है और भी ऑफर कर रहा है रॉयल एनफील्ड, यहाँ पे देखिए कितना मतलब प्यारा सा कलर, मतलब देखने में अच्छा लग रहा है ये कलर, कितना मतलब सुंदर सा कलर आपको जो है ऑफर कर रहा है। इसका भी अगर आप ऑन रोड प्राइस देखेंगे तो 4,31,614 रुपए जो है इसका ऑन रोड प्राइस है। पहले तो ऑन रोड प्राइस में देख लो कि क्या क्या चीज जो है ऑफर कर रहा है रॉयल एनफील्ड। अगर टॉप वर्जन आप परचेज करते हैं तो 3,78,900 का एक्सोरूम प्राइस हो जाता है, रोड टैक्स आपका 30,842 रुपए हो जाता है, इंश्योरेंस का अमाउंट 21,872 रुपए है, मोटरसाइकिल ऑन रोड प्राइस जो आपको पड़ जाती है 4,31,614 रुपए जो है इसका टोटल अमाउंट जो है आपको मिल जाता है। यानी टोटल अमाउंट अगर आप इसके कैश की बात करेंगे तो 4,31,614 रुपए में आपको जो है ये गाड़ी मिल जाती है। अब अगर ईएमआई, ये तो हो गई प्राइस की बात, अब अगर आप जो है इसका ईएमआई बनवाना चाहते हैं यानी फाइनेंस कराना चाहते हैं, तो यहाँ पे जो है आपको फाइनेंस की सुविधा भी दे रहा है रॉयल एनफील्ड। अगर डाउन पेमेंट आपको जो है अगर करेंगे जितने ज्यादा बढ़ाएंगे, जैसे यहाँ पे अगर आप इसमें जो है मतलब 50 से 51 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट आप करते हैं, अगर कम से कम आप 51 हज़ार रुपये यानी 52 हज़ार रुपये डाउन पेमेंट करना चाहते हैं, और इंटरेस्ट रेट जो है कम से कम आरओआई अगर बात करें तो 8% के हिसाब से लग ही जाता है। अब अगर इसके 4 साल की ईएमआई की बात करें, 4 साल यहाँ पे देखिए तो 9,273 रुपये यानी 9,273 रुपये के आसपास जो है आपकी ईएमआई बनने वाली है। यानी 4 साल की अगर 48 महीनों के लिए ईएमआई आप करवाना चाहते हैं तो 9,273 रुपये की आपको जो है ईएमआई पेड करनी पड़ेगी, और 51,794 रुपया आपको जो है डाउन पेमेंट भरना पड़ेगा। तो आप ये समझ सकते हैं कि ये जो ईएमआई जो बताई गई है आरओआई, ये डिजिटल तरीके से, बाकी शोरूम पे आपको जो है अलग अलग आरओआई मिल जाएंगे आपके सिविल स्कोर के हिसाब से, लेकिन एक जो इसका बेस है मैंने आपको बता दिया कि अगर आप 50-51 हज़ार रुपये जमा कर रहे हैं तो आपको जो है ये इंटरेस्ट रेट 8% से नीचे तो लगता ही नहीं है, और लोन पीरियड यानी 48 महीनों के लिए कम से कम जब आप ईएमआई कराएंगे तभी तो अफोर्डेबल ईएमआई होती है। तो सीधा सा फंडा है, अगर आप 52 हज़ार रुपये पेमेंट करते हैं तो आपको 9,273 रुपये की ईएमआई भरनी पड़ेगी। अब दोस्तों बात करते हैं कि अगर आप ये गाड़ी फाइनेंस कराना चाहते हैं तो डॉक्यूमेंट में किस किस चीज़ की जरूरत पड़ने वाली है, तो बहुत बेसिक सा डॉक्यूमेंट यानी आधार कार्ड, पैन कार्ड और बैंक का एटीएम, ये तीन चीज़ें तो कंपलसरी हैं। लेकिन अगर आपके पास एटीएम कार्ड नहीं है तो आप चेकबुक ला सकते हैं, फोटो ला सकते हैं, बिजली का बिल ला सकते हैं, यानी जितना ज़्यादा डॉक्यूमेंट आपके पास होता है उतनी जल्दी आप शोरूम से फ्री हो सकते हैं। इसके अलावा इसमें और भी चीज़ें हैं, जैसे कि इसमें आप जो है मॉडिफाई भी करा सकते हैं, आप ये बाइक देख रहे हैं ना, इसमें आप मॉडिफाई भी बहुत कुछ करा सकते हैं। जैसे आप कंफर्ट पे गए और यहाँ पे देखिए सम्प गार्ड वगैरह भी ये लगवा सकते हैं, यहाँ पे देखिए सम्प गार्ड लगाने पर ऐसा आपको आएगा, बैक सम्प गार्ड पे कुछ ऐसा यानी ब्रेक वाला लगवाएंगे तो कुछ ऐसा आएगा, यानी बहुत चीज़ें जो है मॉडिफाई भी करा सकते हैं। जैसे कंफर्ट में आप जाते हैं तो फुट पैक्स आपको जो है कुछ इस टाइप के देखो देखने को मिलेंगे। इसके जो है अलग से पैसे चार्ज होते हैं जो आप शोरूम से भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं,
इसके अलावा आप अगर आप जो है ऑनलाइन साइट विजिट करते हैं तो वहां भी आपको मिल जाता है। प्रोटेक्शन में जाएंगे तो जैसे यहाँ पे इंजन गार्ड वगैरह भी आप जो है परचेज कर सकते हैं। संप अदर पे जाओगे अगर आप तो यहाँ पे जो है बॉडी कवर वगैरह है यहाँ पे, वो भी आपको जो है मिल जाएगा। जैसे आप यहाँ पे लगाएंगे इसको तो है वो भी जो है ऑन रोड प्राइस में जो है ऐड हो जाता है। इसके अलावा अगर बात करेंगे तो यहाँ पे सारी चीजें मैं डिलीट कर देता हूँ। पहले डिलीट करने के बाद में स्टाइल में आ जाते हैं। और इसके बाद अगर मिरर, बहुत सारे लोग जो है मिरर लगाने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं। जैसे ब्लैक बार मिरर हो गया, एंड मिरर जो मतलब लगा के दिखाता हूँ आपको। यहाँ पे ऐड किया, ये देखिए ऐड करने के बाद बाइक का लुक कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा, जो कि एक बेहतरीन और परफेक्ट सा लुक होता है। खासकर इसे जो है राइडर लोग काफी ज्यादा पसंद करते हैं और बाइक राइडरों की ये बहुत ज्यादा पसंद होती है कि वो जो है ऐसे जो है लगा के अपनी बाइक को मॉडिफाई कराते हैं और एक अलग सी टेंशन में घूमते हैं, तो आपको पता ही होगा। इसके अलावा बहुत सारी चीजें हैं, हॉर्न फिलर कैप है, ये देखिए इसको भी आप लगा सकते हैं, तो कुछ इस तरीके से आपको दिखाई देगा। और बहुत सारी चीजें हैं, तो अगर आप गाड़ी को मॉडिफाई भी कराना चाहते हैं ना, तो बड़ी आराम से जो है आप एक्सेसरीज आइटम लगवा के गाड़ी को मॉडिफाई करा सकते हैं। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया कि कलर ऑप्शन आपको क्या मिल जाते हैं और ऑन रोड प्राइस आपका क्या है, फाइनेंस के लिए कितने रुपए डाउन पेमेंट देने की जरूरत है और साथ में फाइनेंस के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत है। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज यार वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी नॉलेजेबल वीडियो लाता रहता हूँ। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।